इस समय जितने तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं दुनिया के अंदर, उतनी तेजी से हमारी दिनचर्या में भी परिवर्तन हो रहा है। इस दिनचर्या में परिवर्तन के, लाइफस्टाइल में परिवर्तन के कारण कई नई बीमारियां भी पैदा हो गई हैं, जिसकी चर्चा आमतौर पर होती है। हृदय रोग, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इनकी संख्या में भी बहुत वृद्धि हो रही है और ये चर्चा में भी आम बात है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि हृदय रोग में जो चर्चा आमतौर पर होती है वो है बाईपास सर्जरी की। बाईपास सर्जरी जिसमें हार्ट की आर्टरीज, धमनियाँ जो ब्लॉकेज हो जाता है, उस ब्लॉकेज को खोलने के लिए बाईपास सर्जरी होती है। आमतौर पर इसी की चर्चा होती है, लेकिन मैं आज चर्चा करना चाह रहा हूँ एक ऐसे विषय पर जो है तो हृदय रोग, लेकिन बाईपास सर्जरी से संबंधित नहीं है, वो है वाल का रोग। हृदय के वाल जो हृदय के संचालन में बहुत सहयोग करते हैं, हृदय के अंदर, हार्ट के अंदर होने वाले ब्लड सर्कुलेशन में भी वो हेल्प करते हैं। बचपन से या जवानी में पता ही नहीं चलता कभी ये वाल्व के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। वाल्व सिकुड़ जाता है, सिकुड़ता चला जाता है, कैल्शियम जमा हो जाता होता चला जाता है, जिससे हृदय के अंदर जो ब्लड पास होता है, एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जो ब्लड पास होता है उसमें विरोध उत्पन्न हो जाता है, जिससे हृदय पूरा कार्य नहीं कर पाता, हृदय की जो कार्य प्रणाली है उसमें अवरोध पैदा करता है और वो शरीर के ब्लड सर्कुलेशन में मुश्किल आती है। ब्लड सर्कुलेशन नहीं कर पाते, फेफड़ों तक पहुंचाने का काम, हृदय के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता, पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि हार्ट की मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं इस कारण से। तो जब ये बहुत ज़्यादा संकरा हो जाता है वाल्व, तो इसका एक ही उपचार है, वो है वाल्व रिप्लेसमेंट। दोस्तों, वाल्व रिप्लेसमेंट होने के बाद में ज़िंदगी में बहुत ज़िंदगी की बहुत ही परिवर्तन लाने पड़ते हैं, दिनचर्या में परिवर्तन लाने पड़ते हैं। मैं आपसे इसलिए इसकी बात कर रहा हूँ कि मैं 36 साल पहले मैंने वाल्व रिप्लेसमेंट करवाया था। तब डॉक्टर्स ने कहा था कि 10-15 साल तक ये वाल्व कोई दिक्कत पैदा नहीं करेगा, लेकिन आज 36 वर्ष हो गए हैं। मैंने अपने आप में दैनिक लाइफ में, लाइफ स्टाइल के अंदर इस तरीके से परिवर्तन किया कि आज 36 साल में भी मेरा वाल्व जो है, माइटल वाल्व जो चेंज करवाया था, वो आज भी पूर्ण रूप से कार्य कर रहा है और ब्लड संचालन में सहयोग, पूरा सहयोग कर रहा है। ये वाल्व रिप्लेसमेंट के बाद में कई बातें ऐसी होती हैं जो जीवन में अपनानी बहुत ज़रूरी है। एक तो इसमें दवाइयाँ लेनी बहुत ज़रूरी हैं जो डॉक्टर्स ने कही हैं। भोजन के अंदर वही भोजन लेना ज़रूरी है जो इसमें अवरोध पैदा न करे, वाल्व को वापस ख़राब करने में जो है भोजन अवरोध न करे। जीवन शैली में परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो फिजिकल हो, भोजन से संबंधित हो, दवाइयों से संबंधित हो। फिजिकल के अंदर ज़रूरी है कि हम
वॉकिंग करें, जिससे वॉकिंग जो है हृदय के ब्लड सर्कुलेशन में से हेल्प करता है, दबाव कम पड़ता है हार्ट के ऊपर। योग ज़रूरी है करना, वो योग जिस पे हृदय पे दबाव नहीं पड़े। इसलिए आवश्यक है कि किसी योगी विशेषज्ञ से जानकारी प्राप्त करके ही योग करना चाहिए। और भोजन के अंदर इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान हो कि नमक एक निश्चित मात्रा के अंदर ही लेना होता है, क्योंकि नमक अधिक लेने से अंदर फ्लूड जमा होता है। फ्लूड जो फेफड़ों के चारों तरफ हो सकता है, पैरों की तरफ हो सकता है। फ्लूड अगर जमा हो रहा है तो इसका मतलब हार्ट आपका बहुत कमज़ोर हो चुका है। इसलिए सोडियम की मात्रा, नमक की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए भोजन के अंदर। विटामिन के वाले सब्जियां जो आती हैं, टमाटर है, गोभी है, इनको कम लेने को डॉक्टर्स कहते हैं। विटामिन के की सब्जियों को लेने कम ले करने के लिए इसलिए कहते हैं कि ये विटामिन के थक्का जमाने में सहयोग प्रदान करता है। और वाल्व रिप्लेसमेंट के बाद में अंदर क्लॉटिंग की संभावना रहती है, ब्लड क्लॉटिंग की संभावना रहती है। इस कारण से ऐसी सब्जियों का मना किया जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भोजन किया जाता है। साथ ही जो फैट से संबंधित हैं वो तो एक निश्चित मात्रा में लेना ही चाहिए, निश्चित ही मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है इसका असर सीधा हार्ट के ऊपर भी पड़ता है। ये चीज़ें होते हुए भी और ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए डॉक्टर्स जो हैं जो दवाइयाँ हार्ट के लिए देते हैं, मसल्स के लिए, ताकि हार्ट पे कंट्रोल रहे, जो पल्पिटेशन बढ़ जाता है आर्टिफिशियल फेब्रिलेशन से, वो इन दवाइयों से कंट्रोल में रहता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसमें एंटीकोगुलेंट यानी खून पतला करने वाली दवाई देते हैं, और ये लेनी बहुत आवश्यक है। इसमें तो कहा जाता है कि इसको इतना प्यार करो जितना अपने बीवी से प्यार करते हो, उससे भी ज़्यादा प्यार करो, ताकि ये छूटे नहीं कभी। बीवी को तो फिर भी कुछ दिनों के लिए छोड़ दें, लेकिन ये एक दिन के लिए भी नहीं छूटनी चाहिए खून पतला करने वाली दवाई, क्योंकि अगर ये नहीं लेंगे टाइमिंगली तो अंदर क्लॉटिंग की संभावना हो जाती है, ब्रेन स्ट्रोक की संभावना हो जाती है, अंग के किसी भी भाग में क्लॉट्स बन जाते हैं जो अंग वो कार्य करना बंद कर देते हैं। तो इसलिए ये जीवन शैली अपनानी पड़ती है। दवाइयाँ टाइम पे लीजिए डॉक्टर्स के अनुसार, और समय समय पे खून पतला सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके लिए PTINR टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी होता है। और उस PTINR के अनुसार ही ये जो दवाई एंटीकोगुलेंट दी जाती है वो डोज फिक्स करते हैं कि अब कितनी डोज चलेगी, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। PTINR कम से कम एक माह में एक बार, अगर नहीं करवा पाते तो डेढ़ महीना दो महीने भी अगर सही चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो महीने में एक बार PTINR करवा के डॉक्टर्स को दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर सही तरीके से हम अपना जीवन शैली बना लेंगे, दैनिक दिनचर्या बना लेंगे, घूमना है, योग है, तो हम अपना जीवन सामान्यतः जी पाएंगे अच्छी तरह से। जहाँ डॉक्टर्स ने 15 साल की बात कही थी, वहाँ 36 साल से मेरा वाल्व काम कर रहा है, तो किस तरीके से हमने अपना जो है अब ध्यान रखते हुए उस अपने इस तरीके से कार्यशैली अपनाई, इस तरीके से जीवन शैली अपनाई कि इस पे असर ना हो, हार्ट पे ज़्यादा दबाव ना हो, हार्ट पे ज़्यादा जोर ना हो, ताकि शरीर सामान्यतः चलता रहे। इस तरीके से इस टाइप की जो बीमारी है उसको हम जीवन शैली से बहुत अपने सामान्य जीवन जीने में कोई दिक्कत नहीं आती। अब देखिए 36 साल से मैं इसी कंट्रोल, अपने आप को नियंत्रित जीवन जी रहा हूँ,
और नियंत्रित भोजन अपनी फिजिकली अपनी गतिविधियाँ सब चालू रखे हुए। आज मैं 74 ईयर्स ओल्ड हूँ और इसके बावजूद भी मैं बिल्कुल सामान्यतः जीवन जीता हूँ। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऐसे कोई कार्य नहीं करिएगा जिससे कि स्ट्रेस बढ़े, चिंता बढ़े और जो सीधा असर हार्ट के ऊपर करते। ऐसी कोई गतिविधि न कीजिएगा, ऐसी कोई जगह न जाइएगा जहाँ हार्ट पे दबाव पड़ता हो, तनाव होता हो, उसका असर इन सब पे पड़ता है।